उत्तराखंड परिवहन निगम ने दिवाली से पहले यात्रियों को बेहतरीन तोहफा दिया है, जिसके चलते पहाड़ी क्षेत्रों से दिल्ली रूट पर BS6 मॉडल की नई बसें शुरू कर दी गई हैं, जो कि अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस हैं, जिससे रोडवेज की खटारा और हिचकोले खाने वाली बसों से छुटकारा मिलने के बाद अब यात्रियों को यात्रा करने में बेहद आनंद का अनुभव होने वाला है। उत्तराखंड परिवहन निगम के बेड़े में 130 नई बसों के शामिल होने पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बीते रविवार को ISBT देहरादून में उत्तराखंड परिवहन निगम की 130 नवीनतम BS6 मॉडल की बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। दरअसल ये सभी बसें दिल्ली रूट पर चलने वाली हैं, जिसमें यात्रियों की सुविधा के लिए आरामदायक सीट तो लगाई ही गई है, लेकिन इसके साथ ही CCTV कैमरे, पैनिक बटन, GPS जैसी अन्य सुविधाएं भी उपलब्ध कराई गई हैं। बताते चलें कि दिल्ली में इसी वर्ष 21 दिसंबर से BS6 मॉडल की बसें प्रतिबंधित हो जाएंगी, और इसी वजह से उत्तराखंड परिवहन निगम ने BS6 मॉडल की 130 नई बसें खरीदी हैं, जिसमें से हल्द्वानी डिपो को 2 और काठगोदाम को 5 बसें मिली हैं, जिनका संचालन पर्वतीय क्षेत्र से दिल्ली रूट पर होगा। बताया जा रहा है कि पूरी बस मेटल से बनी हुई है, जिसमें फाइबर का प्रयोग नहीं किया गया है, और GPS होने के कारण बसों की देहरादून से लाइव ट्रैकिंग भी हो सकेगी। अगर कोई बस रूट से अलग जाती है तो देहरादून कंट्रोल रूम में अलार्म बजना शुरू हो जाएगा। वर्तमान में रोडवेज की बसों में 34 सीट होती हैं, लेकिन इन नई बसों में 38 सीट हैं, जिससे कुछ अधिक यात्री बस से यात्रा का लुत्फ उठा सकते हैं। इतना ही नहीं, बल्कि वर्तमान में BS4 मॉडल की बसें दिल्ली रूट पर चल रही हैं, बाद में उन्हें उत्तराखंड के रामनगर, देहरादून, अल्मोड़ा, हरिद्वार, ऋषिकेश इत्यादि जगहों पर चलाया जाएगा। बताते चलें कि इस बीच रोडवेज डिपो अल्मोड़ा के बेड़े में BS6 मॉडल की 2 नई बसें शामिल हुई हैं। धनतेरस पर मंगलवार की सुबह नई बसों को चितई स्थित ग्वेल देवता मंदिर में ले जाया गया, जहां पर रोडवेज डिपो के फोरमैन सुरेश नेगी, हरीश रावत, राजकुमार, प्रदीप टमटा इत्यादि ने पूजा अर्चना की। शाम को निर्धारित समय पर रोडवेज स्टेशन से बस दिल्ली के लिए संचालित की गई। इसी प्रकार रोडवेज की 2 नई बसें पिथौरागढ़ पहुंची, इसमें निगम और यात्रियों को राहत मिली है। बसों के रोडवेज स्टेशन पहुंचने पर कर्मियों ने मिठाई बांटी। इसके बाद दोनों बसों को यात्रियों के लिए दिल्ली रवाना कर दिया गया। आपको बता दें कि अल्मोड़ा, भवाली, रानीखेत, बागेश्वर, काठगोदाम, हल्द्वानी, रामनगर, लोहाघाट और पिथौरागढ़ डिपो के साथ ही ऋषिकेश, श्रीनगर और कोटद्वार डिपो को लंबे समय से नई बसें प्रदान करने की तैयारी चल रही थी। परिवहन निगम के महाप्रबंधक अनिल सिंह गबरियाल की ओर से टाटा कंपनी को भेजे गए पत्र में कहा गया है कि पहली बार उत्तराखंड रोडवेज इन बसों का संचालन करेगा, इसलिए BS6 मॉडल की बसों से संबंधित तकनीकी प्रशिक्षण की भी जरूरत होगी। बताते चलें कि बसों की यह खरीद लंबे समय से अटकी हुई थी, जिन्हें ACGL गोवा में तैयार किया गया है। अभी तक गोवा से कुल 40 बसें उत्तराखंड पहुँच चुकी हैं। बने रहिए पहाड़ से मैदान की हर खबर के लिए देवभूमि दर्शन के साथ।